हेलो दोस्तों, आज हम लोगों ने मेरे को डिलीवर हुआ है अमेजोन से एक पार्सल जो कि है निकॉन D5600 DSLR। तो आज हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसे खोल के वहाँ पर चेक कर लिया था कि इसमें प्रोडक्ट रियल है या नहीं, पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। और मैंने ये रिन्यूड प्रोडक्ट परचेस किया, तो आगे देखते हैं। तो मैं इसको भी ओपन करता हूँ। देखिए, इस बॉक्स में कुछ ऐसा बॉक्स है, इसमें एक बैग है एंड वन बॉक्स है जिसमें कि अपना सारा किट है। इसमें एक ऊपर में मेरे को ये मेमोरी कार्ड भी मिला है और इसमें बाकी सब इसमें ऐसे ही जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लास्टिक है। हम लोग इस कार्टून को भी साइड कर देते हैं और हम लोग इसका आज अनबॉक्सिंग करेंगे। ये प्रॉपर इस किट को मैं पहले बैग भी दिखा देता हूँ, जैसे ये बैग मिला था। तो इस बैग में तो कुछ है नहीं, बैग में बस ये बैग है सिंपल सा। आप लोग अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए, ये बैग है, इसमें कुछ ऐसा है बना हुआ, इसको कैरी करने के लिए, इजीली कैरी ट्रांसपोर्ट करने के लिए बैग है। और कुछ नहीं है, एक पॉकेट है और कुछ नहीं है ऐसे बैग में, बस ये फैन है। ऐसे बंद कर दो और बस बैग में ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ कार्ड वर्ड है कुछ। कार्ड है डिलीवरी रिटर्न एड्रेस मुंबई से है, आप लोग देख सकते हैं इसका एड्रेस। और वारंटी कार्ड वगैरह यही सब है, वारंटी कार्ड। और कुछ नहीं है, इसको भी मैं हम लोग साइड रख देते हैं। सर्विस वगैरह है, इसको हम लोग पहले साइड रख देते हैं। और हम लोग ये मेन पार्ट को भी खोल कर देखते हैं। तो इसके अंदर पहले हम लोग को एक कार्ड मिल जाता है जो कि है, देखते हैं कितने जीबी का। तो ये 16 GB का है ये कार्ड, तो देख सकते हैं इसका स्पीड है 40 MB/s। तो इस साइड रख देते हैं अभी और हम लोग इसको बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इस बॉक्स में हम लोगों को मिल जाता है ये किट लेंस। तो ये एक पहले एक अपडिप्टर है, जैसा अपडिप्टर है। और ये बैटरी है, ये निकॉन का बैटरी जो कि है 7.2 वोल्ट 1230 mAh लिथियम आयन बैटरी है, रिचार्जेबल। ठीक है, इसको भी हम लोग अभी साइड कर देते हैं। और इसके अंदर हम लोग को ये बेल्ट मिल जाता है, सब बेल्ट। और बेल्ट के साथ हम लोग ये लेंस मिलता है जो कि है 1855 mm लेंस। ये हम लोग को एक मिलता है 1855 mm लेंस, देख सकते हैं। इसको भी एक साइड रख देता है। और हम लोगों को मिलता है एक और लेंस जो कि है 7300 लेंस, एक और मिलता है हम लोग को। सही है, तो सबको प्लास्टिक को साइड रखते हैं। और फिर हम लोग को ये एक में DSLR मिल जाता है, देख सकते हैं काफ़ी प्रीटी। इसमें हम लोग को थ्री फोन डिस्प्ले भी मिल जाता है, देख सकते हैं पूरा टिल्ट हो जाता है 360 डिग्री। आप इससे ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, ऐसे करके ब्लॉगिंग पोज में
एंड ये है DSLR का ये लेंस माउंट, देख सकते हैं इसके अंदर लेंस है और इसमें ये पावर बटन है और इसको फिर से आप ऐसे वापस करके ऐसे पोर्ट कर सकते हैं या फिर इसको आपको ऐसे इस तरह से डिस्प्ले को रखना है तो आप इसको ऐसे करें ऐसे करके ऐसे कर लें। और इसके अंदर ये सेल्फ फ्लैश लाइट है और ये बैटरी ट्रे है तो ऐसे करके कुछ खोल लेंगे, बैटरी डाल लेंगे, ये बैटरी अपना तो ऐसे करके कुछ ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, फिर इसको क्लोज कर देंगे। फिर ये कार्ड ट्रे है, यहाँ पर कार्ड डाल लेंगे, हम लोग कार्ड मिला था एक ये कार्ड, इस कार्ड को डाल लेंगे और इस कार्ड को हमने डाल लिया, इसको ऐसे करके बंद कर देंगे। और इसमें क्या है, ये एक HDMI पोर्ट मिलता है हम लोग को इस साइड में और इस साइड में हम लोग को माइक मिलता है और डाटा ट्रांसफर के लिए मिलता है और इसमें को नहीं पता क्या है, हम लोग को इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ भी मिलता है। ये है निकॉन D5600 और इसमें यहाँ पर आप माइक या फिर लाइट फ्लैश लाइट भी माउंट कर सकते हैं, इस तरह से दिखता है, इसको यहाँ से ऐसे करके ऑन किया जा सकता है, ये ऑन हो गया। अभी ये लिख रहा है लेंस नॉट अटैच, अभी हम लोग इसमें लेंस लगाएंगे तो हम लोग पहले इसको बंद करके लेंस लगा लेते हैं, इस बॉक्स को हटा लेते हैं पहले। और ये कुछ इस तरह का नया DSLR है, तो देख सकते हैं इसके साथ ये मिला है, ये मिला है और इसके साथ एक ये मिला है, इसमें चीज हम लोग को मिला है, देख सकते हैं इसमें बैटरी भी है, उसको भी आपको दिखा देता हूँ तो क्या क्या मिला इसका। ये मिला है, ये मिला है, ये अपना DSLR है कुछ इस तरह से, और ये बेल्ट लोग को इतने चीज मिला है एक बॉक्स के साथ, लोग देख सकते हैं इतना। और एक बैग, बैग को भी नहीं बोले, ये बैग कौन का ये बैग, हम लोग को इतने सारी चीज़ मिला है यहाँ तो हम लोग अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या हम लोग को लगा है तो भी हटा लेते हैं, बैग को यहाँ पर रख देते हैं, व्यू आए और हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो लेंस लगाने का वो सिंपल सा तरीका है, इसको हम लोग बाद में लगाएंगे। तो लेंस लगाने के लिए हम लोग को सिंपल कैमरा को ऑफ करना है, ऑफ पहले बैटरी वैटरी डाल लेते हैं, पहले इसमें बैटरी इंटर कर लेंगे, आराम से लगा देंगे, इसमें कार्ड यहाँ से इंटर कर लेंगे, आराम से क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसको कैमरा को लगाने के लिए इसको क्लॉकवाइज टर्न करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। बहुत सिंपल तरीके से कैमरा को लेंगे, लेंस को लेंगे, इसका कैप हटाएंगे, यहाँ से ये वाइट डॉट और ये लेंस के ऊपर का वाइट डॉट दोनों को सामने लाएंगे, आराम से रखेंगे, इस पर सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर देंगे, किट का आवाज आएगा, समझे लॉक हो गया। और यहाँ से कैप को हटा लेंगे, उसके बाद फिर ये इसमें लॉक होता है, इस लॉक को अनलॉक कर लेंगे पिन में ले जाकर और फिर इसको ऑन करेंगे। देखिए कैमरा हमारा ऑन हो गया, इसको हम मैनुअल मोड में ले जाते हैं अभी फिलहाल, और वीडियो रिकॉर्ड करना है तो हम लोग वीडियो मोड में ले जाएंगे। यहाँ से आप आई ओ सी वगैरह सेट कर सकते हैं, अपना जितना आई ओ सी चाहिए आपको आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप लोग यहाँ से आई ओ सी वगैरह भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पिक्चर आपको क्लिक करना है, सिंपल इसको दबा रखें, पिक्चर क्लिक हो गया, नहीं ये नहीं हुआ पता नहीं क्यों, मैनुअल मोड में क्लिक वो बहुत बहुत ISO बहुत कम, पिक्चर तो आ रहा है पर लाइट बहुत कम आ रहा है पता नहीं, अब क्या क्या अब क्या करा है देखो, और इसका थोड़ा ब्राइटनेस भी मेरे को कम लग रहा है, हम लोग इसका ब्राइटनेस एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं,
डिस्प्ले का ब्राइटनेस, डिस्प्ले का ब्राइटनेस तो मेरे को कुछ कम लग रहा है। डिस्प्ले का ब्राइटनेस एडजस्ट कर लिया। अब हम लोग एक बार ऑटो में देखते हैं, ऑटो में कैसी पिक आ रही है। ऑटो में तो काफ़ी ब्यूटीफुल पिक आ रही है। और ऑटो में रिकॉर्डिंग देखता हूँ, रिकॉर्डिंग सही हो रही है, काफ़ी सही रिकॉर्डिंग है। मैंने एक टेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग करने के लिए सिंपल, आप जिस भी चीज़ का रिकॉर्डिंग कर रहे थे रखते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें और इसको रेड वाले बटन को प्रेस कर दें, बस आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यहाँ से ये प्रेस करके और इसको टर्न करें तो आप अपना ISO भी सेट कर सकते हैं। वैसे तो फिलहाल अभी ऑटो में, तो ऑटो में ISO तो सेट नहीं होगा, मैनुअल में ले जाना पड़ेगा, तो मैनुअल में आप ISO भी सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से बहुत कुछ इसको